अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव, और हाँ, ये जो आपका धुरीना पर 499 वाला कोर्स है अभी लगातार चल रहा है, तो 499 वाला कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी है 2 साल तक आप देख सकते हो, वहां पर टेस्ट दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप पूरे चैप्टर को भी पढ़ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मजा लेते हैं, और ये क्लास का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कहाँ से एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। धुरीना ऐप पर पूरा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, टाइप होगा 5 से स्टार्ट है, तो टाइप 4 करवा दिया था पिछले क्लास में, अब आ जाइए हम शुरू करेंगे आज टाइप 5 से। तो पहला सवाल जो हमारे सामने आज है दोस्तों, सवाल है सिक्का वाला। तो सिक्का वाला जब सवाल है ना, तो देखिए कैसे बनाते हैं सिक्का वाला सवाल को। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों की मूल्य में क्रमशः 4, 5, 6 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखो कुल सिक्का के संख्या कितना है, 760 सिक्का है, 760। इसमें क्या क्या है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 1 रुपया, उसके बाद है 50 पैसा, उसके बाद है 25 पैसा। अब देखो रेशियो में लिख देंगे, क्योंकि इनके मूल्य क्रमशः 4, 5, 6 है। देखो मूल्य मतलब क्या हुआ, मूल्य उसका वैल्यू सबका, 1 रुपया वाला का मूल्य 4 है, यानी अगर वो 4 रुपया होगा तो 50 पैसा वाला मिलाकर 5 रुपया होगा, और 25 पैसा वाला होगा 6 रुपया। इसका ये मतलब है, मूल्य का मतलब हमेशा रुपया में समझना है, मूल्य का मतलब हमेशा रुपया में समझना है, मूल्य का मतलब हमेशा रुपया में समझना है, सुन लीजिए। अब आप बताइए, इस 760 कुल सिक्का के संख्या ना है, तो इसका मूल्य रेशियो से नहीं रिलेशन मिलेगा, इसको भी सिक्का की संख्या ही ज्ञात करना होगा पहले। तो सुनिए, सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं। वो कैसे, तो वो निकाल लेंगे, देखिए कैसे, 4 रुपया वाला का मूल्य 4 है, तो 4 सिक्का ही होगा दोस्तों, 4 सिक्का रहेगा, 4 रुपया हो जाएगा, सॉरी 4 रुपया वाला, 1 रुपया वाला का मूल्य 4 है, तो 4 को सिक्का होगा, 4 रुपया हो गया। लेकिन 50 पैसा वाला का मूल्य अगर 5 है तो वो 10 सिक्का होगा, क्योंकि 1 रुपया में चाहिए 2 सिक्का, 5 रुपया में होगा 10 सिक्का। आ इसमें 25 पैसा वाला में मूल्य है 6, तो 1 रुपया होने के लिए 4 सिक्का चाहिए, 6 रुपया है, 6×24 सिक्का होगा। दोस्तों टोटल सिक्का 760, अनुपात में सिक्का की संख्या जोड़ देते हैं, अनुपात में सिक्का की संख्या अगर जोड़ देते हैं तो आइए ना, कुल सिक्का जो हो जाएगा वो कुल हो जाएगा कितना जानते हैं, 10, 4, 14, 24, 38। अनुपात में टोटल सिक्का की संख्या 38, जबकि रियल में टोटल सिक्का की संख्या 760। अरे 38 का वैल्यू 760 हुआ है, अनुपात 1 का वैल्यू 38×76=20 होगा। सवाल पूछता है 50 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, सिक्का की संख्या का रेशियो नीचे है, अरे 1 का वैल्यू 20 है तो 10 का वैल्यू निकालना है, 20×200 यानी 200 सिक्का है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सवाल का कहना है दोस्तों, ध्यान देना, कहता है एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। इस बार रियल वैल्यू जो दिया है, मूल्य दिया है, रुकिए, अरे भाई मूल्य दिया है कितना जानते हैं, 40 रुपया दिया है, ठीक 40 रुपया।
एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे एवं 5 पैसे। 50 पैसा लो, 25 पैसा लो, 20 पैसा लो, 5 पैसा लो। ठीक है, तो ये है इसके, ये क्या है इसका दिया हुआ है कि 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा और 5 पैसा वाला ही सिक्का होगा। ठीक है, और इनका प्रत्येक की संख्या बराबर कहा है और कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है। दोस्तों इनकी संख्या बराबर कहा है, अगर मान लेते हैं संख्या इनका x, तो इनका भी x, इनका भी x, इनका भी x। आपको पता है ये मूल्य दिया है, तो आपको अब मूल्य ज्ञात करना होगा, तब जाके मूल्य होगा मूल्य के बराबर। कैसे होगा, तो आइए मूल्य कैसे निकालते हैं देखिए। अब बताओ 50 पैसा के एक सिक्का का मान कितना होता है, 1/2 रुपया। अगर मेरे पास 2 सिक्का हो जाए तो 2 से गुना कर देंगे मूल्य में, एक सिक्का के मूल्य में उसकी संख्या से गुना कर दिया कि भाई 50 पैसा वाला सिक्का मेरे पास 2 गो है, 2 से 2 कटा तो 1 रुपया हुआ कि नहीं। 50 पैसा वाला सिक्का के एक सिक्का का मान 1/2 रुपया है, अगर मेरे पास 4 सिक्का है तो 2 से 4 को काटो 2 रुपया हो जाएगा। सिंपल है, 50 पैसा वाला अगर 4 सिक्का है तो 2 रुपया नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आइए, यानी हमने क्या किया, एक सिक्का के मान में उसके संख्या से गुना किया तो हमें मूल्य पता चल गया। उसी तरह दोस्तों हम सभी में काम करेंगे। अब देखो इसका एक सिक्का का मान, 50 पैसा वाला के एक सिक्का का मान 1/2 होता है, 25 पैसा वाला का 1/4 होता है, 20 पैसा का मतलब होता है 1/5 रुपया और 5 पैसा का मतलब होता है 1/20 रुपया। कैसे पता करते हैं, तो देखो 5 पैसा है तो 5 लिखे, 1 रुपया में 100 पैसा तो 100 से भाग दे देते हैं, कट के आता है 1/20। ऐसे होता है, एक सिक्का के मान में उसकी संख्या से गुना कर देंगे मूल्य हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा ना, रुको रुको हमको जोड़ना है, एक सिक्का के मान में इसके संख्या से गुना कर देंगे तो मूल्य हो जाएगा, एक सिक्का का मान में इसकी संख्या से गुना कर देंगे तो मूल्य हो जाएगा, एक सिक्का के मान में उसकी संख्या से गुना कर देंगे तो मूल्य हो जाएगा, और सब मूल्य जोड़कर कितना बोला है, 40 रुपया बोला है। x/2 प्लस x/4 और प्लस x/5 प्लस x/20 है ना, अब बराबर हो गया अपना 40। दोस्तों इन सब का अगर नीचे LCM हम लोग ले लेते हैं 20 5 4 2 का, तो LCM 20 हो जाएगा। आओ LCM जब हमारा 20 हो जाएगा तो ऊपर देखो, 2 से 20 को काटे 10 बार में 10x, 4 से काटे 5 बार में 5x, 5 से काटे 4 बार में 4x, प्लस 20 से 1 बार में तो 1x बराबर 40। जोड़ देते हैं 10 5 15 4 19 1 20, यानी सब जोड़कर हुआ ऊपर में 20x बट्टा में 20 बराबर हुआ 40। 20 से 20 कटिए गया, x की वैल्यू 40 हो गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या x x माने थे, यानी 40 40 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के को मूल्य में 2 3 4 का अनुपात है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा सिक्कों का मूल्य ज्ञात करिए। चलिए मूल्य ज्ञात करते हैं। कहता है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य में 2 3 4 का अनुपात है। ये मूल्य है दोस्तों, इनका मूल्य दिया हुआ है। और उसके बाद क्या बोलता है, यदि कुल सिक्कों की संख्या इतना है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करिए। सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करें, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा कुल मूल्य। पहले तो इसका मूल्य जो दिया हुआ है किसका किसका, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, और इनका जो मूल्य है वो रेशियो है 2:3:1
चार के अनुपात में। अब एक काम करिए, तो इनकी संख्या पता कर लो। संख्या कैसे पता करोगे? अगर एक रुपया वाला का मूल्य दो है, मूल्य का मतलब हमने कहा कि रुपया में समझना है, एक रुपया वाला का मूल्य अगर दो है, एक रुपया का मूल्य दो है तो दुइये सिक्का होगा, और पचास पैसा वाला का मूल्य तीन है तो तीन दूना छ सिक्का होगा, और पच्चीस पैसा वाला का मूल्य चार है तो चार चौके सोलह सिक्का होगा। भैया छः दो आठ और सोलह कितना हुआ? चौबीस। टोटल सिक्का हो गया हमारा पास चौबीस, और जबकि टोटल है सिक्का 480। अरे भाई 24 दूना 48 होता है, यानी अनुपात एक का वैल्यू 20 हो गया। अब एक का वैल्यू 20 है तो रुक जाना, संख्या निकालना हो तो 20 दूना 40, 20 छके 120, चलो आगे 16 दूना 32 320। अब रुपया ज्ञात करना है, रुपया भी 40 120 320 वाला तो है, 40 120 320, और रुपया 180 होता है क्या इसे मिला के? हाँ, ये 40 रुपया हो जाएगा, 40 संख्या है एक टकिया, एक रुपया वाला के संख्या 40 है तो 40 रुपया। अगर 120 संख्या है, 50 पैसा वाला का संख्या 120 है तो 60 रुपया होगा, और 320 है, 320 संख्या है किसका? इसका 25 पैसा वाला का, तो 4 से भाग दे दीजिए, क्योंकि एक रुपया होने के लिए 4 सिक्का, 4 से भाग दिए, 4 अट्ठे 32 80, तो हो तो गया 40 60 180, 180 रुपया भी हो गया सब जोड़ के। ये एक रुपया वाला हो गया 40 रुपया, 50 पैसा वाला हो गया 60 रुपया, 25 पैसा वाला हो गया, भैया 25 पैसा वाला 80 रुपया, मिलाकर हो गया टोटल 180, तो हमारा सही है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, एक थैले में 25 पैसे 50 पैसे एवं एक रुपये के सिक्के हैं, सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है तथा कुल मूल्य 160 रुपया है। यदि एक रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुना है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? दोस्तों ध्यान देना, एक थैले में 25 पैसे 50 पैसे एक रुपये के सिक्के हैं और सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है, कुल सिक्का 220 है, मूल्य 160 रुपया है। यदि एक रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसा के सिक्कों की संख्या से तिगुना है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? दोस्तों एक रुपया 50 पैसा, उसके बाद 25 पैसा, ठीक बात, और इनका जो संख्या टोटल 220 है, टोटल संख्या कितना है 220, संख्या है सिक्का के संख्या है 220, इस संख्या है। अब मूल्य कितना है जानते हैं? मूल्य है भैया 160 रुपया, मूल्य भी दिया हुआ है। चलो हमें पता है संख्या भी और मूल्य भी, तो एक बात अब रिलेशन दिया कि एक रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसा के सिक्कों की संख्या से तिगुना है, 25 पैसा वाला से तिगुना, अगर ये एक्स होगा तो ये 3x होगा। अब दोस्तों जब ये दोनों पता है तो ये दोनों जोड़कर 4x होगा, और टोटल संख्या 220 है तो 220 में ये 3 आ 1 4x घटा देंगे तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि टोटल में से एक रुपया वाला 25 पैसा वाला जोड़ के घटा दिए तो इसका हो गया। बात है समझ में? अब बताइए, ये तो हम संख्या निकाल दिए, संख्या जब अब निकाल दिए तो हम एक काम करते हैं मूल्य निकालने के लिए। एक रुपया वाला जितना संख्या होगा उतना ही मूल्य होगा? नहीं, एक रुपया वाला अगर 10 गो सिक्का है आपके पास तो मूल्य 10 रुपया होगा, लेकिन 50 पैसा वाला में आधा हो जाता है। अभी सबको तो हम ऐड करेंगे, सुनिए, 220 माइनस 4x इसकी संख्या है, एक सिक्का का मान होता है 1/2 50 पैसा वाला का, तो 1/2 से गुना तो इसका मूल्य हो गया। इसकी संख्या x है, इसके एक सिक्का का मान 1/4 रुपया होता है तो उसके एक संख्या के मान से गुना कर दिए संख्या में, इसका मूल्य हो गया। और सब का मूल्य कितना दिया है भैया? 160 रुपया सवाल में, सब का मूल्य है कितना? 160। अब ये तो हमारा 3x हुआ, प्लस 1/2 से इसको काटे तो 120 हो गया, काटे नहीं गुना हुआ, 1/2 से गुना 110 हो जाएगा।
चलो एक सौ दस माइनस वन बाई टू, फोर एक्स का वन बाई टू तो कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी टू एक्स, अब प्लस एक्स बाई फोर, अब बराबर एक सौ साठ। सुनो अब आपका हो जाएगा तीन एक्स में से दो एक्स चला गया, एक एक्स बचा, एक एक्स में एक्स बाई फोर जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, एक एक्स में एक्स बाई फोर जुड़ गया, सवा एक्स हो जाएगा, यानी इसको फोर और एक फाइव एक्स बाई फोर कह सकते हैं। क्या हुआ, इसमें से इसको घटाएं एक एक्स, एक एक्स को इसमें एक्स वाला में जोड़ दिए, ये हमारा हो जाएगा फाइव एक्स बटा फोर, और एक सौ दस को उधर जाके घटा देंगे, एक सौ साठ में से एक सौ दस घटा देंगे, ये हमारा फाइव एक्स बट्टा फोर हुआ, एक सौ में से एक सौ चल ही गया, साठ में से दस गया तो पचास हुआ, पाँच से कटा दस बार में एक्स की वैल्यू हो गया दस चौके चालीस। पूछा क्या है, तो पचास पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए, पचास पैसा के सिक्का की संख्या यहाँ पर है दोस्तों, एक्स की वैल्यू चालीस है, चालीस चौके एक सौ साठ यहाँ हो जाएगा, तो दो सौ बीस में से एक सौ साठ घटाना होगा, आपका 220 में से 160 घटाना होगा, लो हो गया जीरो, 12 में से 6 हो गया 6, अब ये बात ख़त्म, ठीक है, जीरो 12 में से 6 हो गया 6। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल, चलो अगला हमारा पाँच नंबर कहता क्या है, किसी बक्से में 180 रुपये, एक रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए, जिनका अनुपात दो तीन चार पाँच, दो अनुपात तीन अनुपात चार है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपके पास दिया हुआ है, क्या आपके पास कहा जा रहा है कि 180 रुपये हैं और जिसमें है एक रुपया, 50 पैसा, उसके बाद है 25 पैसा, ठीक बात, कि सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं जिनका अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार है, दो तीन चार है, देखो दो अनुपात तीन अनुपात चार है, ठीक बात है, अच्छा ये इनकी संख्या है और 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है ये पूछा है, ये है इसका सिक्कों के रूप में रखे हुए जिनका अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार है, तो ये तो हो गया इसका संख्या, और ये 180 रुपया मूल्य है, ये क्या दिया हुआ है मूल्य, तो अब आपको मूल्य भी निकालना होगा, मूल्य निकालना होगा, तो मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, एक काम करते हैं, पहले तो ये संख्या वाला में 61 आ देते हैं सब में, ठीक, 50 पैसा सॉरी एक रुपया वाला के संख्या जितना होगा उतना ही मूल्य भी होगा, लेकिन 50 पैसा वाला के एक सिक्का का मान 1/2 होता है, इसमें संख्या है 3x, उससे गुना कर देंगे इसका मूल्य हो जाएगा, और 25 पैसा वाला 4x है इसकी संख्या, इसके एक सिक्का का मूल्य होता है 1/4 रुपया, उससे गुना कर दिए इसका मूल्य हो गया, और सब मूल्य जोड़कर, सब मूल्य जोड़कर कितना दिया है 180 रुपया दिया है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आगे, तो देखो ना ये हो जाएगा 2x, अच्छा ये चार से चार कट गया, एक एक्स तीन एक्स आई डेढ़ तो साढ़े चार, क्या कि दो आ एक तीन तीन ये हो गया डेढ़ तो हो जाएगा साढ़े चार, साढ़े चार को हम लिख सकते हैं 9x/2, साढ़े चार बराबर 180, नौ दू ना 18, एक्स की वैल्यू हो गया 40, एक्स की वैल्यू 40 हो गया, कहता है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए, ये तो भैया x की वैल्यू 40 आया है, संख्या यहाँ से निकालेगा 40 दिया 120, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 40 तो 3x की वैल्यू 40 दिया 120 हो जाएगा। आइए अगला सवाल पर आ जाते हैं, अगला सवाल छठा क्या कहता है, एक डिब्बे में 56 रुपये के एक रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी और एक रुपये वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा करना है, बस वैसे ही एक डिब्बा में 56 रुपया है,
तो ये मूल्य ना हुआ 56 रुपया। आपको ये बात ध्यान रखना है कि वो मूल्य दिया रहा दे रहा है रियल में कि संख्या दिया रहा है। तो ये है आपका मूल्य। कहता है एक डिब्बे में 56 रुपये के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले। कौन कौन? 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले। 25 पैसे वाले सिक्के हैं, उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है। मतलब कहता है कि उनमें 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या 25 पैसे वाले से दुगना, एकरा से ही दुगना। उसके बाद कहता है और 1 रुपये वाले सिक्कों से 4 गुना है। 50 पैसा वाला जो है ना, इससे दुगना, इससे 4 गुना। एक काम करिए, इसी को 1 लिख दीजिए, इसको 4 गुना बना लीजिए और इसका दुगना ही है ना, हो गया। लो कैसे? कहता है 50 पैसा वाला के जो संख्या होगा 25 पैसा वाला से दुगना और 1 रुपये वाले से 4 गुना है ना, और 1 रुपये वाले सिक्कों से 4 गुनी है। तो ये हो गया इनका संख्या का रेशियो, सिक्का के संख्या। और ये दिया हुआ है मूल्य। तो मूल्य निकालने के लिए आपको वही काम करना होगा दोस्तों। मूल्य कैसे ज्ञात होगा? तो मूल्य ज्ञात होगा, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि 1 रुपया का संख्या है ना, सब में 1 सटा देते हैं और जितना संख्या इसका है उतना ही संख्या हुआ, उतना ही रुपया होगा इसका मूल्य। इसके एक सिक्का का, एक सिक्का का मान 1/2 होता है, तो इतना सिक्का का मान कितना होगा? तो 1/2 से गुना। एक सिक्का का मान 1/4 होता है, तो इतने सिक्का का मूल्य कितना? 1/4 से गुना। सबको जोड़कर हम कहेंगे टोटल मूल्य है 56 रुपया। अब दोस्तों 2 से 4 को काटा 2 बार में, 2 से 4 को नीचे काटा 2 बार में, 1 x, 2 x, 3 x और 1/2 यानी 3.5। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7x/2 और ये बराबर हो गया 56। 7 × 8 = 56, x की वैल्यू 8 × 2 = 16। अब आपसे क्या पूछते हैं? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 16 × 64 क्योंकि x की वैल्यू 16, तो 4x की वैल्यू कितना? 16 × 64 64 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। हाँ, अब हमारा है टाइप 6। टाइप 6 के सवाल को कैसे करना है ध्यान दीजिए। टाइप 6 में जो सवाल है ना अपने सामने, वो सवाल क्या कहता है देखिए। सबसे पहला कहता है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी उसके भार के वर्ग करिएगा उसके बराबर उसका मूल्य रहना चाहिए। 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपया है, इसे 2 टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में बांट दी जाती है तो मूल्य में कुल कितनी कमी आ जाएगी? एक बात पहले सोचो, सवाल छोड़ो, इतना सोचो कि अगर 10 ग्राम का हीरा है दोस्तों और इसका 2:3 का टुकड़ा बनाना है तो कितने कितने ग्राम का होगा? आप सोचो, 2:3 का टुकड़ा बनाना है तो कितने कितने ग्राम का होगा? तो आप सोचेंगे यही ना कि इसको जो टोटल होगा वो 10 ग्राम होना चाहिए। तो इसका टोटल पहले करिए, 3 × 2 = 5 ग्राम अनुपात में, और 10 ग्राम को बांटना है तो बराबर में 10 ग्राम, अनुपात 1 का वैल्यू 5 × 10 ग्राम यानी 2 ग्राम हो गया। अब 1 का वैल्यू हो गया 3 × 6 ग्राम, यहाँ पर 3 × 6 ग्राम, 1 का वैल्यू 2, तो 2 × 4 ग्राम। अब आप सोचो कि 4 ग्राम और 6 ग्राम कितना हो गया? 10 ग्राम। 4 × 6 कितना हो गया? 10 ग्राम। अब दोस्तों व्यापार कैसे करना है जानते हैं? सवाल कहता है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। अगर भार के वर्ग के समानुपाती है तो कहता है कि 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपया है। नहीं, ये 10 ग्राम का नहीं है, ये 10 ग्राम के वर्ग कर लीजिए हो जाता है 100 ग्राम, यानी कि इस 100 ग्राम का दाम है 1600 रुपया। ये बात है इसमें, क्योंकि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती बोला है, ठीक है। तो देखिए 1 ग्राम का दाम उसी हिसाब से कितना, 100 से भाग दे देंगे 16 रुपया हो जाएगा। दोस्तों दिमाग लगाओ कि अगर 10 ग्राम के हीरा के अगर तोड़ते हैं 2:3 में तो 1 टुकड़ा 4 ग्राम का, दूसरा टुकड़ा 6 ग्राम का हो जाएगा, 4 × 6 = 10 हो गया।
अगर वर्ग करके बेचते तो 10 ग्राम का वर्ग करते, सुनिए 10 ग्राम का वर्ग करते, अपल 10 ग्राम का वर्ग करते तो 100 ग्राम हम बेच पाते, यानी 10 ग्राम का मूल्य हम 100 ग्राम, चूंकि कहा है 10 ग्राम का हीरे का मूल्य, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, तो 10 ग्राम का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 100 ग्राम, लेकिन टुकड़ा टुकड़ा करके बेचेंगे तो 16 ग्राम होगा, 36 ग्राम होगा वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा 4 के वर्ग प्लस सॉरी 6 के वर्ग, 4 के वर्ग 6 के घर 6 के वर्ग इतना ग्राम, यानी ये देखो ये पहले होता 100 ग्राम लेकिन अब 16 36, 16 36 कितना 50, 16 36 52, ये 52 ग्राम हुआ, 52 ग्राम हुआ, पहले 100 ग्राम होता, अगर एक टुकड़ा रहता 10 ग्राम का टुकड़ा रहता तो 10 ग्राम का 100 होता, लेकिन दो टुकड़ा 4 6 का हुआ तो 4 का स्क्वायर 16 6 का स्क्वायर 36, 16 36 52 ग्राम अब आप बेच पाएंगे, तो वजन में कमी ना आ गया, आप यहाँ समझ लीजिए ये हो गया वजन में कमी, तो वजन में कमी कितना का 48 ग्राम का, तो वजन में कमी 48 ग्राम का, तो दाम में कमी कितना का, दाम में कमी, दाम में कमी जानते हैं कितना हो जाएगा, एक ग्राम का दाम 16 रुपया है तो 48 ग्राम का दाम उस हिसाब से 768 रुपया हो जाएगा, और वो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नहीं आया है सवाल समझ में तो कोई बात नहीं है, अगला सवाल देखिए आपको समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, सवाल कहता है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, इसे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाती है तथा चारों टुकड़ों के बीच क्रम से 1 2 3 4 का अनुपात है, इन चारों टुकड़ों में व्यापारी 70,000 रुपये में 70,000 रुपया कम में बेचता है, तो हीरे के वास्तविक मूल्य में ज्ञात करिए, हीरे का वास्तविक मूल्य यानी पहले वाला मूल्य बताना है। दोस्तों एक बात बताओ, एक बात बताओ आप, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है और कहता है इसे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाती है, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा तीसरा टुकड़ा और ये चौथा टुकड़ा, इनका रेशियो है आपका 1:2:3:4 का, ठीक बात है। अब कहता है एक बात, इस बार तो कितना ग्राम का एक टुकड़ा है ये तो नहीं पता, हाँ तोड़ के 1 2 3 4 में करना है, जैसे पिछला सवाल में 10 ग्राम था तो वैसा है नहीं, आपको क्या करना है समझना है, 1 2 3 4 है तो सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कुल समझना है, कुल कुल आपको समझना है कि ये 10 ग्राम है क्योंकि सब जोड़कर हो गया 10 ग्राम। अब दोस्तों आपको 10 ग्राम है तो एक टुकड़ा 1 ग्राम का, 1 2 ग्राम का, 1 3 ग्राम का, 1 4 ग्राम का हो गया सब मिला के 10 ग्राम, वजन में कमी कितना आएगा अगर वर्ग करके बेचते हैं तो, वजन में कमी क्योंकि बोला हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, वर्ग करिए स्क्वायर करिए तो 10 ग्राम का वर्ग करिएगा तो करिए 10 ग्राम का वर्ग ऐसे होता, टोटल हुआ 10 ग्राम, 10 ग्राम का एक टुकड़ा रहता उसका वर्ग होता तो 10 ग्राम के वर्ग, लेकिन ध्यान दीजिएगा 10 ग्राम के वर्ग कर रहे हैं लेकिन इसमें से हमको माइनस करना है 1 ग्राम का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, चलो लास्ट में ग्राम लगा दिए। अब ये होता है आपका 100 ग्राम, 100 ग्राम में से 16 9 25 4 29 31 30 ग्राम घटेगा, यानी 30 ग्राम हुआ ही, चारों टुकड़ा 4 3 7 2 9 1 10, यानी 4 टुकड़ा था ना ये सब मिलके 10 ग्राम, लेकिन अलग अलग वर्ग करके बेचेंगे तो 30 ग्राम बेच पाएंगे जबकि पहले 100 ग्राम बिकता, 100 में 30 घटा दीजिए तो भैया हो गया हमारा 70 ग्राम। अब 70 ग्राम के वजन में कमी आया तो चूंकि हम कहेंगे कि वजन में हुआ है 70 ग्राम की कमी और रुपया में बोला है कि 70,000 के कमी, तो अनुपात 1 का इसलिए 1,000 हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं कि 70 ग्राम के वैल्यू 70,000 अनुपात में लिख देते हैं, क्या दिक्कत, अनुपात में ना लिखे ऐसे भी हमको क्या पूछा है टोटल वास्तविक मूल्य यानी 100 ग्राम का दाम, इसलिए चलिए अब 100 ग्राम का निकाल जाते हैं, तो बताइए 70 ग्राम के 70,000 तो 100 ग्राम के 100,000 यानी 1,00,000 हो गया, सीधा सीधा 1,00,000 हमारा आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, एक सवाल और देखिए, प्रश्न कहता है
प्रश्न का कहना है भैया, कहता है हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 मूल्य का हीरा तीन टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करें। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, ठीक है, और 5184 मूल्य का एक हीरा के तीन टुकड़ों में काटा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा, इनका जो है 1:2:3 में, ठीक, 1:2:3 में 5184 मूल्य का हीरा है, तीन टुकड़ों में काटा है, इनके भार के अनुपात 1:2:3 में, तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करें, जबकि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार होगा। एक काम करो, इसको जोड़ के देखो, टोटल 3 × 2 = 5 = 6, टोटल हुआ 6 ग्राम, ये मान लिया गया, माना है टोटल, है ना, टोटल ये माना है मैंने। अब बताओ 6 ग्राम का वर्ग होता 36, लेकिन यहाँ 1 का वर्ग 2 का वर्ग और 3 का वर्ग करके बेचेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 × 4 = 13 = 14 हुआ, 36 में से 14 घटा दिए कितना, 22, चलो 22 ग्राम हुआ, 22 ग्राम की कमी हुआ वजन में, 22 ग्राम की कमी हुआ है ना। आपका पूछा है कि मूल्य में कितना कमी हुआ, हानि हुआ, से बताइए, वजन में ना कमी हुआ है 22 ग्राम का, 1 ग्राम के दाम से गुना करना होगा, कहाँ से निकालेंगे, तो शुरुआत में चूंकि सब मिलाकर हुआ 36 ग्राम, भार के वर्ग के अनुसार अगर होता है तो 36 ग्राम का दाम है हमारा 5184 रुपया, है ना, क्योंकि कहता है कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार है परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा, यानी पूरा 5184 का एक हीरा था, उसी को 1:2:3 में काट दिए तो वो तो 6 ग्राम था, 6 ग्राम का स्क्वायर 36 हुआ, 36 ग्राम का दाम है दोस्तों, 36 ग्राम का दाम है आपका 5184, यहाँ लिखेंगे कि 36 ग्राम का दाम है 5184, हानि हो रहा है 22 ग्राम का, तो 22 ग्राम का हो रहा है तो 22 ग्राम का दाम निकाल देंगे, तो 22 ग्राम का दाम कितना होगा दोस्तों, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, तो 22 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, तो 5184 और बट्टा में हो जाएगा कितना हमारा, ये आ जाएगा 36 और गुना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 22 से, 22 का आधा 11, इसका आधा 18, 18 से इसको काटिए 288 बार में, तो 288 और गुना 11 हो जाएगा शायद 3168, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से समझ में, थैंक यू।